लोमड़ी और अंगूर। एक लोमड़ी पानी की तलाश में बाग में घूम रही थी, तभी उसे एक पेड़ पर एक अंगूर का गुच्छा दिखाई दिया। लोमड़ी के मुंह से राल टपकने लगी। उसने सोचा, अंगूर ही खाकर थोड़ी प्यास बुझा लेते हैं। उसने अंगूर को पाने के लिए जोर जोर से छलांग मारी। बार बार कोशिश के बाद भी अंगूर तोड़ पाने में लोमड़ी को सफलता नहीं मिली। लोमड़ी निराश हो गई और ये कहकर चली गई कि मुझे पता है कि ये अंगूर खट्टे हैं। हम अपनी असफलता का दोष बड़ी आसानी से किसी पे भी मर देते हैं। एक गांव और एक शहरी चूहे की कहानी। एक बार गांव के देहाती चूहे ने शहरी चूहे को अपने गांव खाने पे बुलाया। खाने में भुट्टा, गेहूं, पौधों की जड़ें आदि चीजें थी। शहरी चूहा गांव आ गया। भोजन के समय शहरी चूहा बोला, दोस्त तुम यहाँ चींटियों की जिंदगी जी रहे हो। मेरे घर में बहुत ऐश है, मेरे साथ रहोगे तो तुम भी ऐश करोगे। देहाती चूहे ने शहरी चूहे की बात पर थोड़ा सोचा और फिर उसके साथ वो भी शहर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर शहरी चूहे ने देहाती चूहे को खाने में ब्रेड, बार्ली बीन्स, अंजीर और हनी जैसी चीजें दी। देहाती चूहा इतनी सारी चीजें देखकर बहुत खुश हुआ। उन दोनों ने खाना अभी शुरू ही किया था कि कोई आदमी अंदर आ गया। दोनों चूहे डर कर बिल की ओर भागने लगे। आदमी के जाने के बाद दोनों फिर बाहर आए और जैसे ही खाने के लिए चले, फिर से कोई अंदर आ गया। दोनों चूहे फिर बिल की ओर भागे। बार बार ऐसा देख देहाती चूहा घबराया और बोला, तुमने मुझे इसी भोजन के लिए बुलाया था ना? यहाँ तो हर तरफ जान का खतरा है, मुझे नहीं रहना ऐसी जगह। मुझे गांव के खेत ही पसंद है, जहाँ बिना किसी डर हम लोग घूम तो सकते हैं, वहाँ जान का ऐसा खतरा तो नहीं होता। सुकून के साधारण पल अच्छे हैं उस ऐशो आराम की जिंदगी से जो हमेशा खतरे में रहती हो। एक गधा और उसका मालिक। एक गधा पेड़ पौधे की दुकान पे काम करता था। एक दिन उसने प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, मुझे यहाँ से हटाकर किसी और मालिक के पास भेज दो। बृहस्पति देव बोले, ठीक है, पर फिर शिकायत मत करना। इतना कहकर उन्होंने गधे को एक ईंट बनाने वाले के पास भेज दिया। कुछ ही समय में गधे ने देखा कि उसे भारी भारी ईंटें उठानी पड़ रही है। वो निराश होकर फिर से बृहस्पति देव से बोला कि मेरा ये मालिक भी बदल दो। बृहस्पति देव ने कहा, ठीक है, मगर ये आखिरी बात है। इतना कहकर उन्होंने गधे को एक चमड़े वाले के पास भेज दिया। अब गधे ने अनुभव किया कि इस बार तो वो बहुत ही गलत हाथों में पड़ गया है। यहाँ तो उसे खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। वो अब सोचने लगा कि यहाँ भूखा रहने से तो अच्छा है कि मुझे पहले वाले मालिक के वहाँ थोड़ी ज्यादा मेहनत ही कर लेनी चाहिए थी। जिसे एक जगह संतुष्टि न मिले, उसे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिल सकती। गोल्डी लॉक्स और तीन भालू। एक समय की बात है, गोल्डी लॉक्स नाम की एक छोटी सी लड़की थी जिसके बाल बड़े सुनहरे थे। एक दिन गोल्डी लॉक्स खेलते खेलते जंगल पहुंच गए। वहां उसे एक घर दिखा। उसने दरवाजा खटखटाया, मगर जब कोई नहीं आया तो वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। घर में कोई भी नहीं था, लेकिन रसोई में तीन कटोरे थे जिसमें खिचड़ी रखी थी। गोल्डी लॉक्स बहुत भूखी थी। उसने सबसे बड़े कटोरे से थोड़ी सी खिचड़ी खाई। वो बोली, ये तो बहुत गर्म है। फिर उसने बीच वाले कटोरे से थोड़ा खाकर बोली, ये तो बहुत ठंडी है।
सबसे छोटे कटोरे की खिचड़ी खाकर वो बोली, हाँ ये ठीक है। कहकर उसने पूरी खिचड़ी खा ली। गोली लॉक्स थक गई थी। उसने देखा वहाँ 3 कुर्सी थी। सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठकर बोली, ये तो बहुत बड़ी है। फिर दूसरी कुर्सी पे बैठी और बोली, ये भी बड़ी है। तीसरी कुर्सी पे बैठकर बोली, हाँ ये ठीक है। बोलकर जैसे ही वो कुर्सी पे बैठती है, कुर्सी टूट जाती है। गोल्डी लॉक्स अब ज्यादा थक चुकी थी। वो सीढ़ी से ऊपर की ओर जाने लगी। तभी उसे 3 पलंग दिखाई दिए। सबसे बड़ी पलंग पे वो जैसे ही लेटी, वो बोली, ये गद्दा बहुत कड़ा है। दूसरी पलंग पे लेटी और बोली, ये कुछ ज्यादा ही मुलायम है। फिर सबसे छोटे पलंग पर लेटकर बोली, हाँ ये ठीक है। इतना कहकर वो उसी पलंग पर सो गए। वो सो रही थी कि कुछ ही देर बाद वहाँ 3 भालू आ गए। पापा भालू बोला, किसी ने मेरी खिचड़ी खाई है। मम्मी भालू बोली, किसी ने मेरी भी खिचड़ी खाई है। छोटा भालू चिल्लाया, मेरी तो पूरी खिचड़ी खा ली किसी ने। पापा भालू फिर बोला, कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था। मम्मी भालू ने भी बताया, कोई मेरी भी कुर्सी पर बैठा था। छोटा भालू बोला, अरे मेरी तो कुर्सी किसी ने तोड़ ही दी है। पापा भालू बोला, मेरी पलंग पर कोई सोया था। मम्मी भालू बोली, मेरी भी पलंग पर कोई सोया था। तभी छोटा भालू चिल्लाया, देखो मेरी पलंग पर कोई सो रहा है। भालू की आवाज सुनकर गोल्डी लॉक्स जाग गई और वहाँ से भाग गए। वहाँ फिर वो कभी वापस नहीं गए। एक कौवे और घड़े की कहानी। एक कौवा प्यास से तड़प रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो एक पत्थर पे जाकर बैठ गया। गर्मी बहुत थी। तभी कौवे को एक पानी का घड़ा दिखाई दिया। वो झट से उस घड़े पे जाकर बैठ गया। मगर जैसे ही उसने पानी पीने के लिए घड़े में अपना मुंह डाला, पानी उसे मिला ही नहीं। कौवे ने बार बार कोशिश की, पर वो पानी तक नहीं पहुँच पा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने जमीन से एक छोटा सा कंकड़ उठाकर उस घड़े में डाल दिया। एक के बाद एक वो घड़े में कंकड़ डालता गया। कुछ देर बाद कौवे ने देखा कि घड़े में पानी की सतह पहले की अपेक्षा ऊपर आ चुकी है। घड़े में पानी को ऊपर तक आता हुआ देखकर कौवा बहुत खुश हो गया और उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। दिमाग लगाओ तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। एक कंजूस और उसका सोना। एक कंजूस था जो हमेशा अपने पैसों से सोना खरीदता और उसे घर के बागीचे की जमीन में गाड़ देता। फिर हर हफ्ते उसे चेक करने जाता कि सोना सुरक्षित है या नहीं। एक लुटेरी की नजर उस कंजूस के सोने पे पड़ गई और मौका मिलते ही वो सारा सोना लेकर भाग गया। हमेशा की तरह कंजूस जब अपना सोना चेक करने के लिए वहाँ आया तो उसने देखा कि सोना वहाँ था ही नहीं। वो जोर जोर से रोने लगा। उसके पड़ोसी वहाँ आ गए। एक ने पूछा कि तुम लेकर तो नहीं गए यहाँ से। कंजूस बोला, नहीं। पड़ोसी बोला, फिर से चेक कर लो, शायद मिल जाए। आवश्यकता से ज्यादा धन का कोई महत्व नहीं होता। एक दिन एक चरवाहा चारे की तलाश में अपनी भेड़ों के साथ जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में उसके दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना गांव वालों को मूर्ख बनाया जाए। और फिर तभी भेड़िया आया चिल्लाते हुए गांव की ओर चल पड़ा। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े।
मगर चरवाहे का झूठ देखकर सभी गांव वाले निराश हो गए। अब लोगों को मूर्ख बनाने में चरवाहे को मजा आने लगा। फिर ऐसा वो अक्सर करने लगा। एक दिन चरवाहा अपनी भेड़ों को चारा खिलाकर घर लौट ही रहा था कि सच में एक भेड़िया वहां आ गया। चरवाहा जोर जोर से आवाज लगाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वालों को लगा कि चरवाहा फिर से मूर्ख बना रहा है। लोगों ने उसकी आवाज तो सुनी मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। गांव वालों को अपनी मदद के लिए आता ना देख वो गुस्से से लाल हो गया और सीधा गांव के मुखिया से शिकायत करने लगा। मुखिया ने चरवाहे से एक बात कही कि झूठ बोलने वाला इंसान कभी भी विश्वसनीय नहीं होता, वो चाहे कितना भी सच बोले। एक शेर और चूहे की कहानी। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर बैठा सो रहा था। तभी एक चूहा शेर के पास आया और उसे परेशान करने लगा। चूहे के इस खेल से शेर की आंख खुल गई और उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने डरकर शेर से माफी मांगी और बोला, हे जंगल के राजा, आप मुझे माफ कर दो, हो सकता है कभी मैं भी आपके काम आऊं। शेर ने चूहे की बात सुनकर अपना हाथ खोल दिया और चूहा चला गया। फिर एक दिन उस शेर को कुछ शिकारियों ने पकड़ लिया और उसे ले जाने के लिए पिंजरा लेने चले गए। उसी समय वहां से चूहा गुजर रहा था, उसने शेर को पहचान लिया। चूहे ने जाल को काट दिया, इस तरह उस चूहे ने शेर की जान बचा ली। चूहा खुशी में बोला, मैं सही था ना मित्र, किसी भी चीज को उसके आकार से कभी भी मत आंको। शेर, लोमड़ी और गधा। एक बार एक गधा और एक लोमड़ी खाने की तलाश में जंगल में घूम रहे थे। वो ज्यादा दूर गए भी नहीं थे कि तभी उन्होंने सामने से एक शेर को आते देखा। वो दोनों बहुत डर गए। लोमड़ी चालाक थी, उसने अपनी जान बचाने का एक उपाय सोचा। लोमड़ी ने शेर के कान में जाकर कहा कि अगर आप मेरी जान ना लो तो मैं इस गधे को आपका भोजन बना सकती हूँ। शेर ने लोमड़ी की बात मान ली और लोमड़ी के साथ चल पड़ा। लोमड़ी आगे आगे और शेर उसके पीछे पीछे। जंगल में शिकारियों ने जानवरों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। लोमड़ी उसी रास्ते पर जा रही थी, फिर अचानक एक गड्ढे में गिरकर लोमड़ी ने अपनी जान बचा ली। तभी शेर ने पलट कर देखा कि गधा अभी भी वही था। शेर ने झपट कर गधे को पकड़ लिया और अपना पेट भरकर भोजन किया। जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा करना बहुत हानिकारक साबित होता है। दो दोस्त और भालू। दो दोस्त एक साथ चले जा रहे थे। उसी समय सामने एक खतरनाक भालू आ गया। अचानक उसे सामने देखकर वो दोनों घबरा गए। पहला दोस्त पेड़ पे चढ़ गया और पत्तों के पीछे छुप गया, मगर उसका दोस्त खुद को अकेला पाकर इतना डर गया कि वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। भालू ये जानने के लिए पास आया कि वो जिंदा है या नहीं और कान के पास जाकर उसे सूंघने लगा, क्योंकि वो मरे हुए जानवरों या इंसान का मांस नहीं खाता। फिर अचानक उसे मरा हुआ समझकर वो गुर्राने लगा और वहां से चला गया। पहला दोस्त नीचे उतरा और जोर जोर से हंसने लगा। अपने दोस्त का मजाक उड़ाकर वो बोला कि भालू बाबा तुम्हें गाना सुना रहे थे क्या? ऐसे दोस्तों पर कभी भी भरोसा मत करो जो आपकी मुसीबत के समय आपका ही मजाक उड़ाए। सिंड्रेला। एक समय की बात है, एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसका नाम सिंड्रेला था अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। उसकी बहनें और माँ सिंड्रेला पर बहुत अत्याचार करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन इन सभी को राजा के महल आने का निमंत्रण मिला। सिंड्रेला की बहनें और माँ सभी ने नए नए कपड़े बनवाए और सज धज रहे थे, लेकिन उन लोगों ने
सिंड्रेला को घर पे ही अकेला छोड़ दिया और पार्टी में पहुंच गए। इस बात से सिंड्रेला बहुत दुखी थी और रोने लगी। तभी उसके सामने एक परी आकर खड़ी हो गई और सिंड्रेला से बोली, मैं परी हूँ, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें पार्टी में भेजूंगी। इतना कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और जादू से सिंड्रेला के कपड़े नए कर दिए। फिर उसने जादू से सिंड्रेला के जूते नए कर दिए। अब वहीं पर 6 चूहे एक कद्दू के साथ खेल रहे थे। परी ने जादू से कद्दू को रथ और चूहों को सारथी और पहरेदार बना दिया। सिंड्रेला बहुत खुश होकर परी से बोली, थैंक यू परी, तुम बहुत अच्छी हो। इतना कहकर वो रथ पर बैठ गई। जैसे ही वो जाने के लिए रथ पर बैठी, परी ने सिंड्रेला से एक बात कही, सिंड्रेला मेरी एक बात ध्यान रखना कि मेरा ये जादू आज सिर्फ आधी रात तक ही रहेगा, उसके पहले तुम्हें घर वापस आना है। सिंड्रेला जैसे ही राजा के महल के अंदर पहुंची, सौतेली माँ और सभी उसे उन कपड़ों में पहचान नहीं पाए। राजकुमार सिंड्रेला के पास जाकर उसे अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है। सिंड्रेला हाँ कर देती है। वो दोनों काफी देर तक खूब डांस करते रहे। सभी लोग सिंड्रेला को देखकर सोचे जा रहे थे कि ये लड़की है कौन। जब आधी रात होने लगी तो सिंड्रेला को परी की बात याद आ गई और अचानक वो बोली, मुझे अब चलना चाहिए। ये कहकर वो सीढ़ियों की तरफ दौड़कर भागने लगी। जल्दी में उसके एक पैर की जूती वहीं रह जाती है। सिंड्रेला उसकी तरफ देखे बिना ही जल्दी से रथ पे बैठकर घर चली जाती है। जैसे ही आधी रात के 12 बजने वाले होते हैं, उसके पहले वो घर पहुंच जा, उसके बाद ही वो रथ एक कद्दू में और पहरेदार और सारथी सभी चूहों में बदल जाते हैं। उधर महल में राजकुमार सिंड्रेला के प्यार में दीवाना हो गया। राजकुमार उसका नाम तो जानता नहीं। तभी उसे सिंड्रेला की जूती वहां मिल जाती है। अब राजकुमार ने ये ऐलान कर दिया कि ये जूती जिस लड़की के पैर में फिट होगी वो उसी लड़की से शादी करेगा। अगले दिन राजकुमार उस लड़की की तलाश में अपने नौकरों के साथ निकल पड़ा। पूरे राज्य में हर घर की लड़कियों ने उस जूती को पहनकर चेक किया। यहाँ तक कि सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने भी पहनकर चेक किया, मगर जूती किसी के भी पैर में फिट नहीं हुई। सिंड्रेला की सौतेली माँ उसे जूती पहनकर चेक करने नहीं देती। तभी राजकुमार सिंड्रेला को देखता है और जूती को पहनकर चेक करने को कहता है। जूती अच्छी तरह सिंड्रेला के पैर में आ जाती है। राजकुमार उसे पहचान लेता है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। परछाई। एक कसाई ने कुत्ते को खाने के लिए एक हड्डी दी। कुत्ता हड्डी लेकर घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक पुल दिखाई दिया। कुत्ते ने जैसे ही पुल क्रॉस किया, उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। कुत्ता तालाब के उस पानी में अपनी ही छवि को देखकर सोचने लगा कि एक दूसरा कुत्ता भी है जिसने एक ऐसी हड्डी ले रखी है जो मेरी हड्डी से भी बड़ी है। लालची कुत्ते ने उस हड्डी के लालच में मुंह से अपनी ही हड्डी तालाब में गिरा दी। कुत्ते ने हड्डी को पाने के लिए तालाब में ही छलांग लगा दी। हड्डी पानी में बह गई। फिर उसने पानी में तैर कर अपनी जान तो बचा ली, पर बड़ी हड्डी की लालच में उसने अपनी वाली हड्डी भी गवा दी। अब उसे इस बात का एहसास
एहसास हो गया कि लालच बुरी बला है। अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा की लालच में जो है वो भी कभी कभी चला जाता है।